हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं परम्यूटेशन यानी क्रमचय के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे, इस पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल को सॉल्व आउट किए थे। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स इसके हम नए पैटर्न को देखेंगे, मतलब नए टाइप्स के फार्मूलेज को देखेंगे। इससे बेस्ड फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर प्रीवियस वीडियोस को आप ना देखें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को हम सेंड कर दिए हैं, आपसे जाकर आप प्रीवियस वीडियो को देखकर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपने वीडियो को देखते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा जो नया फार्मूला है, x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। फ्रेंड्स सबसे पहले हम फार्मूले को समझ सकते हैं। अगर x मतलब कि अगर हमें मान लीजिए किसी भी संख्या का क्रमचय संख्या निकालना है, n मतलब क्या कि नंबर आप किसी भी वर्ड में कितने नंबर दिए हैं, p मीन्स क्या कि कितने सेम टाइप्स के क्रमचय दिया हुआ है, q टाइप्स का सेम क्रमचय दिया हुआ और r टाइप का सेम क्रमचय दिया हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम मेथड्स को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल दिया कि मैथमेटिक्स शब्द से सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स के शब्द को लेकर कितने प्रकार के हम परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिक्स शब्दों में कुल अक्षरों की संख्या कितने हैं, 11 है। M A T H E M A T I C S, इसमें कुल कितने अक्षर है फ्रेंड्स, 11 अक्षर है। अब क्या करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि M A तथा T प्रत्येक दो बार आया है। हम देख रहे हैं M यहाँ पे दो बार आया है, A भी दो बार आया है और T भी दो बार आया है फ्रेंड्स। और शेष भिन्न अलग अलग है, मतलब और जो इससे मान लीजिए जो C हो S है और जो I है वो एक ही बार आया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फार्मूला हम क्या देखे हैं कि x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स क्या होगा, क्रमचयों की संख्या इज इक्वल टू हमारे पास कुल संख्या कितना है क्रमचय की, 11 है, अपॉन हमारे पास m कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, मतलब दो m हमारे इक्वल है, ये हमारे भी दो इक्वल और t भी दो बार आया है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 49,89,600। फ्रेंड्स अगर हम इसी प्रकार के दूसरे एग्जांपल को देखें तो हमारा मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इलाहाबाद शब्द में कुल कितने अक्षर है। तो हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद शब्दों में कुल अक्षरों की संख्या फ्रेंड्स 9 है, जिसमें ए हम देख रहे हैं कि 4 टाइम्स हमारा ए आया है, एल जो है हमारा 2 टाइम्स आया है और शेष हमारा क्या है, सिंगल टाइम्स है। तो फ्रेंड्स हम फिर से यही फार्मूला लगा देंगे, क्रमचयों की संख्या इज इक्वल टू हमारे पास कुल संख्या कितना है इलाहाबाद में, 11 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास ए कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है और रियल कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7,560 हमारा आंसर आएगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार अगर हम तीसरे एग्जांपल को देखें तो जैसे शब्द दिया है मिसिसिपी की अक्षरों से कितने शब्द बने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मिसिसिपी में कुल कितने अक्षर है। तो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जिसमें आई हम देख रहे हैं कि 4 टाइम्स हमारा आई आया है और यस हमारा जो वो भी 4 टाइम्स आया और पी भी हमारा 2 टाइम्स आया है। और फ्रेंड्स हम फिर से यही फार्मूला लगा देंगे, क्रमचयों की संख्या इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसको जब फ्रेंड्स हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आएगा 34,650। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा कंसेप्ट। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखे या तो हम अपने ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू देखे। फ्रेंड्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।